हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कढ़ी और बड़ी किस तरह से बनाया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। तो दोस्तों कढ़ी बनाने से पहले हम तो बेसन तो पिसवाते ही हैं, बट हमने कढ़ी बनाने के लिए पहले चने की दाल हमने फुला दिए थे और उसका हमने बड़ी बनाया और बेसन का कढ़ी बनाया। और फूले हुए चने की दाल का जो बड़ी होता है वो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे होता है, इसलिए हम आपको बताएंगे कि कढ़ी और बड़ी किस तरह से बनाएं ताकि और भी स्वादिष्ट हो। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से कढ़ी और बड़ी बनाना, जो आप एक बार खाइएगा तो आपके मुंह से स्वाद नहीं जाएगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पर जा सके, ऐसे ही न्यू ईयर डिश आपको हम डेली बाय डेली दिखा सके और सिखा सके। तो दोस्तों चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने प्यारे से किचन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कढ़ी और बड़ी बनाने के लिए बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि कढ़ी और बड़ी कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों पहले आप यहां देख सकते हैं हम चने के दाल को अच्छी तरह से भिंगो के हमने रख दिया था पूरे 10 घंटे तक। दोस्तों अब हमने इसे मिक्सी में पीस कर अच्छी तरह से हम इसका दानेदार पेस्ट बना लिए हैं, आप देख सकते हैं, ताकि हमारा बड़ी जो है और कुरकुरे और क्रिस्पी हो, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके कढ़ी बनाने के लिए हमने लिया है बेसन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बड़ी में डालने के लिए लिया है हरी कटी मिर्च और यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक हमने प्याज कट कर लिया है। इसके फोरन के लिए हमने लिया है हल्का जीरा और लाल मिर्च और यहाँ पे हमने लिया है दही और हमने दही को अच्छी तरह से पतला कर लिया है। अब हम इस बेसन में इसे घोलेंगे और यहाँ पे हमने रखा है ना हल्दी, नमक और तेल। अब हम हमारा कढ़ाई जो है दोस्तों आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे और हम तेल को कुछ देर तक गर्म कर लेंगे। तेल हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम बड़ी तैयार करेंगे। मसाले देख सकते हैं हमने इसमें डाला कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हम कितने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रहे हैं। बड़ी को बनाने के लिए हमने अच्छी तरह से इसे पेस्ट तैयार कर लिया है पूरे मसाले डाल के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कढ़ाई जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बड़ी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हम बड़ी इसमें डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है और हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे चारों तरफ से पलट पलट के। बड़ी कैसे तैयार होगा दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। अब हम इसके नीचे वाले भाग को अच्छी तरह से पलट पलट कर पका लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बड़ी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बड़ी हुए हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा बड़ी कैसा लगा आपको, और अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कढ़ी बनाने के लिए कटोरे में ले लिए हैं बेसन और हम इसमें ऐड करेंगे दही और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। दोस्तों हमारा कढ़ी जो है बिल्कुल पतला होना चाहिए इसका घोल, नहीं तो कढ़ाई में जब कढ़ी को हम बनाते हैं दोस्तों तो ये पतला नहीं रहता है, ज्यादा गाढ़ा बना दीजिएगा तो ये बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा और कढ़ी खाने में मजा नहीं आएगा, तो इसलिए दोस्तों हम कढ़ी को पतला ही रखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कढ़ी बनाने के लिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फोरन जैसे लाल मिर्च और जीरा और इसको हम हल्का सा मिला लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे कढ़ी जो हमने
पतला घोल तैयार करके बेसन का रखा था और पानी इसमें हल्का सा ऐड कर देंगे क्योंकि हमें पतला ही कढ़ी रखना है। दोस्तों ध्यान रहे, दोस्तों इसका एक छोटा सा सीक्रेट है जो हम आपको बता रहे हैं। कढ़ी का एक सीक्रेट है दोस्तों कि जिस तरफ से चलाया जाता है उसी तरफ से इसे चलाएं, एक ही तरफ से इसे चलाया जाता है, दोनों तरफ से चलाइएगा तो आपका कढ़ी फट सकता है। दोस्तों हम कढ़ी में नमक लास्ट में डालते हैं, आप देख सकते हैं हमने स्वाद अनुसार डाल दिया नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे दोस्तों अब हम इसे 2-4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। जब हमारे कढ़ी से बुलबुले आने चालू हो जाएंगे तो हमारा समझिए कढ़ी बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको पकाएंगे। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कढ़ी जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बड़ी जो हमने रखे थे बनाकर और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तो हमारा कढ़ी बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे एक बर्तन में अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बड़ी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमारा